Hey, hi, my name is Dr. Abhinit Gupta and welcome to my channel. And today's topic is aloe vera. I'm not going to tell you any new thing. Everyone knows the aloe vera's benefit. It's also eaten and used. But I'm going to take this topic today, which aloe vera is good and how you can use it and how you can use it properly. I'm going to take this topic on it. So, for this, I'm going to take aloe vera. ठीक है, सो दिस इज़ अ नेचुरल एलोवेरा. एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, क्लियर करूँ कि एलोवेरा की बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं. ठीक है, कोई एलोवेरा अच्छा होता है, कोई एलोवेरा टॉक्सिक भी होता है. तो आप अपने घर में एलोवेरा को उगाते हैं तो प्लीज़ ज़रूरी नहीं कि वो एलोवेरा अच्छा हो. तो इसमें वैराइटी भी होती हैं, तो आप जो नॉन टॉक्सिक एलोवेरा हो वो यूज़ कीजिएगा. और इसको आप अपने स्कैल्प में लगा सकते हैं, बालों में लगा सकते हो, डैंड्रफ के लिए यूज़ कर सकते हैं. कोई भी टाइप का अगर आपको मैं निकाल रहा हूँ नेचुरल एलोवेरा, किसी भी टाइप का अगर आपको स्किन प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं एलोवेरा को. अगर आपको एक्ने हो रहे हैं या आपको कोई भी स्किन एलर्जी हो गई हो या आपके रैशेस आ गए हो स्किन में या आपको सन टैनिंग हो गई हो, तो एलोवेरा आपको बॉडी को स्किन को बहुत हेल्दी करता है. बिकॉज में नेचुरली सब कुछ रहता है, विटामिन ई होता है, ये होता है, हर सब सारे मल्टी विटामिन के अंदर भरे हुए हैं. एलोवेरा मतलब इतना अच्छा है, ये बॉडी को डिटॉक्सीफाई करता है. अगर आप उसको स्कैल्प में लगाएंगे तो आपके स्कैल्प की स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी. अगर आपको वहाँ पर डैंड्रफ है तो वो एज एंटीफंगल भी वर्क करेगा, आपके आपके जो हेयर है उसको बहुत स्मूथ कर देगा, स्किन को स्मूथ कर देता है एलोवेरा. तो इसको आप रेगुलर यूज़ कर सकते हैं. कोई भी इश्यूज अगर आ रहा है तो आप इसको एलोवेरा को लगा सकते हैं. मैं तो जनरली डेली लगाता हूँ अपने हाथों में, फेस पे भी लगाता हूँ, बट मैं अभी आपको लगा के नहीं दिखाऊंगा फेस पे, बिकॉज मैं भी क्लिनिक के अंदर बैठा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ. ठीक है, तो मैंने अभी निकाला है एलोवेरा. अच्छा, अच्छे क्वालिटी का एलोवेरा हम कैसे पता करेंगे कि वो रियल है कि नहीं है, या हमारी स्किन को डिटॉक्सिफाई करेगा कि नहीं करेगा? तो उसके लिए मैं एक आपको टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ आज, और इसको आप ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट है. इसमें मैं आयोडीन टेस्ट लगाऊंगा. तो मैंने इसमें एलोवेरा निकाल लिया है और मैं इस ग्लास में थोड़ा सा पानी डालने वाला हूँ. नेचुरल वाटर है, अच्छा पानी है. इसमें मैं डालूंगा आयोडीन. ओह सॉरी, दिख नहीं रहा आपको. इसमें मैंने आयोडीन डाल दिया है, इसने कलर कर लिया है अपना पीला. तो ये आयोडीन टेस्ट में लगाऊंगा. इसमें मैं ये डालूंगा, मैं थोड़ा सा कैमरे को पीछे कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख सकें. ये बता देता हूँ, यू कैन सी. ओके राइट, अभी मैं इसमें ये एलोवेरा डालूंगा. बिकॉज एलोवेरा में डिटॉक्सीफाइंग प्रॉपर्टी होती है. एंड इसने पूरा क्लियर आउट कर दिया है. बिकॉज ये नेचुरल एलोवेरा है इसलिए इसने पूरा इसको डिटॉक्सीफाई कर दिया है. आयोडीन टेस्ट में ये पास है. ऑफकोर्स नेचुरल एलोवेरा है तो पास तो हो गई, और हम सबको पता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, हर कोई यूज़ भी करता है. बहुत सारे लोग आप लोग यूज़ करते होंगे घर में एलोवेरा को ग्रो करा के. बट ये हमेशा याद रखिए, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं जो एलोवेरा को लगाते हैं और उनको एक्ने हो जाते हैं. तो वो पूछते हैं कि सर हमने ऐसा करा और ऐसा क्यों हो गया? बिकॉज वो उन्होंने टॉक्सिक एलोवेरा यूज़ किया था, क्योंकि इसकी वैरायटी होती है डिफरेंट डिफरेंट काइंड के. तो अच्छे, इसको हिंदी में गवार पाठा कहते हैं, तो अच्छे भी आते हैं गवार पाठा एलोवेरा, और थोड़ा ख़राब क्वालिटी का भी होता है. तो हमेशा अच्छी क्वालिटी का ग्रो करें और इसको यूज़ करें नेचुरली. बट अगर आपके पास एलोवेरा नहीं है, नेचुरल एलोवेरा नहीं है, मेरे घर में तो लगता है, अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए भी मैंने एक कंपनी का मैंने ये देखा एलोवेरा. इट्स अ वाओ कंपनी का एलोवेरा है, जिसकी पैकिंग रियली वाओ है, एंड इट क्लेम्स, दे क्लेम्स इट 99% प्योर एलोवेरा विथ पैराबिन फ्री, सिलिकॉन फ्री, मिनरल ऑयल फ्री, कलर फ्री एंड सिंथेटिक फ्रेगरेंस फ्री. देखिए, इसमें कोई भी फ्रेगरेंस ऐड नहीं है इस एलोवेरा वाओ कंपनी के एलोवेरा में. तो इसमें कोई फ्रेगरेंस ऐड नहीं, तो आपकी स्किन को इरिटेट नहीं करेगा. इसमें पैराबेन नहीं है, तो पैराबेन इज अ प्रिजर्वेटिव. ठीक है, तो अगर कोई चीज़ में प्रिजर्वेटिव डाला जाता है उसको प्रिजर्व करने के लिए, तो वो माइट बी वो इट आपकी स्किन को भी थोड़ा पैराबेन अगर ज़्यादा एक्यूमुलेशन होता है तो आपको साइड इफेक्ट कॉज कर सकता है. तो इसमें पैराबेन नहीं है, और दे क्लेम इट्स 99% प्योर एलोवेरा जेल.
99% प्योर मीन्स मैंने जो ये यूज़ किया है इट्स 100% एंड इट्स 99%, तो मैं कैसे मानूँ कि ये 99% प्योर है? तो इसके लिए हम अगेन एक टेस्ट लगाएंगे, इसमें मैं सेम टेस्ट लगाएंगे हम जो मैंने लगाया था नेचुरल एलोवेरा के लिए। इसमें मैं पानी डाल रहा हूँ पीने वाला, और इसमें मैंने डाला आयोडीन, इसमें मैंने आयोडीन डाल दिया है, और अभी मैं इसमें जैसे मैंने इसमें नेचुरल एलोवेरा डाला है ये वाला नेचुरल, तो ये तो पता है सबको कि अच्छा होगा ही। अब मैं इसको टेस्ट करके देखता हूँ कि ये रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। सो वी विल सी व्हाट विल इट डू। इसने भी डिटॉक्सिफाई किया, नेचुरल एलोवेरा एंड वाओ एलोवेरा। दैट मीन्स जो कंपनी क्लेम कर रही है कि इट्स 99% प्योर, इट्स रियली प्योर। एंड यार जस्ट 300 rupees, 299, इट्स रियली वेरी चीप, इट्स 299 एंड यू कैन बाय दिस एलोवेरा फ्रॉम Amazon। मतलब 300 rupees में और क्या चाहिए भाई, घर बैठे आपको 300 rupees में नेचुरल एलोवेरा मिल रहा है। मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने जस्ट एक टेस्ट किया था, मतलब मुझे नहीं पता था कि ये इतना सही में कारगर होगा। मैं फोकट में लगाता था, इसको उगाना भी दिक्कत वाला, इतना बड़ा करना भी टाइम लगता है इसको। मेरे घर में बहुत सारे लगे थे और मेरे घर में हर कोई यूज़ करता था, फटाफट ख़त्म हो जाते थे। बट रियली इट्स 299 यार, और इतना अच्छा रिजल्ट, मतलब मेरे वाले एलोवेरा से ज़्यादा इसने डिटॉक्सीफाई किया है। ये मेरा वाला बेइज्जती करा रहा है मेरी, खैर कोई बात नहीं। सो यू कैन बाय दिस वाओ एलोवेरा फ्रॉम Amazon, लॉग इन करें और इजीली मिल जाएगा। बहुत सारे लोग मेरे से बोलते हैं कि इतने कॉस्टली प्रोडक्ट बताता हूँ, तो प्लीज़ मैं आपके लिए बहुत सस्ता और अच्छा प्रोडक्ट लेके आया हूँ। आपको कोई भी स्किन एलर्जी हो रही हो, स्किन रैशेज हुए हो, आपको कीड़े ने काट लिया हो, आपको कहीं भी सन डैमेज हो गया हो, या आपको टैनिंग हो गई हो, या स्किन में इरीटेशन हो, आप इसको लगाइए और आपके पूरी इरीटेशन ख़त्म हो जाएगा। इट्स रियली वेरी गुड, एलोवेरा लगाना चाहिए। तो विटामिंस बहुत सारे होते हैं और स्किन को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है, जो बहुत अच्छा है हमारी स्किन के लिए। एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है। आप स्कैल्प में लगाइए, मसाज कीजिए, बालों को हेल्दी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ डू शेयर माई वीडियोज़ अगर आपको पसंद आए हो तो। एंड अगर आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और मुझे वहाँ पे मैसेज कीजिए। एक मैं आपको सॉरी, मैं अगर आपको रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ तो आई एम रियली सॉरी। एक क्वेश्चन मतलब एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपको रियली में से कुछ बहुत अर्जेंट कुछ पूछना है तो लगातार मुझे पिंग करते रहिए इंस्टाग्राम पे, मैसेज करते रहिए, बिकॉज डेली मुझे 300-400 मैसेज आते हैं और जब मैं बैठता हूँ देखने के लिए बहुत सारी लिस्ट होती है। अगर आपको सीरियसली कोई ज़रूरत है, कुछ पूछना चाहते हो, तो मुझे लगातार पिंग करिए ताकि मैसेज ऊपर आए। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो डू शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और सबको फैला दो ये वीडियो कि एलोवेरा बहुत अच्छा होता है। अगर नेचुरल एलोवेरा नहीं है तो ये नेचुरल एलोवेरा है, आपको ये भी मिल जाएगा अमेजोन पे। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए कोई भी डाउट हो प्लीज़। और बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि मैं बोलता हूँ कि इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए और मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, तो आई एम रियली सॉरी, बिकॉज रीज़न ये है उसका कि 300-400 मैसेज डेली आते हैं और वो मैसेज छुप जाते हैं, नीचे जाते हैं, तो मेरे को पॉसिबल नहीं हो पाता कि उनको एक सबको एक साथ रिप्लाई करना, इतना सारा टाइप नहीं हो पाता मेरे से। तो अगर आपको कोई रियली बहुत अर्जेंट कुछ पूछना है तो लगातार मेरे को पिंग करते रहिए, मैसेज करते रहिए, इंस्टाग्राम पे, उससे ये होगा कि आपका मैसेज अप ऊपर आ जाएगा, तो मैं उसको देख, अगर मैं देख लिया तो मैं डेफिनेटली उसको रिप्लाई करूँगा। और आई एम रियली सॉरी कोई भी चीज़ अगर मेरी आपको बुरी लगी हो तो। और डू सब्सक्राइब माई चैनल, डू फॉलो मी एंड यूज वाओ एलोवेरा और दिस नेचुरल एलोवेरा, दोनों में से कोई भी। और ये मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैंने बहुत सस्ता वाला प्रोडक्ट आपको बताया और जो बहुत अच्छा है। अभी लोगों को शिकायत नहीं होगी कि मेरे प्रोडक्ट महंगे होते हैं, बट रियल यार 300 rupees में बहुत सस्ता मिल गया आपको। चलो बाय एंड मैसेज मी।